आप लोग फैसले पर अमल दरामद करेंगे या नहीं करवाने इलेक्शन देखिए, 30 अप्रैल को? सिंपल सी बात है, जिस तरह एक सर्कुलर जो है वो जुडिशरी का फैसला सेट असाइड नहीं कर सकता, जिस तरह काजी फैज ईसा साहब का जो एक फैसला आया, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक सर्कुलर उनके फैसले को हम समझते हैं सेट असाइड नहीं कर सकता। और अगर ये प्रेसिडेंट है तो इसी तरह का सर्कुलर निकलेगा और वो दूसरे फैसले को रद्द कर देगा, क्योंकि हम तो मेजोरिटी फैसले के साथ हैं। 4-3 का जो फैसला है वही फैसला है, उस फैसले के ऊपर जो है अमल दरामद होनी चाहिए। तो हमारा मौकफ तो इसमें बड़ा क्लियर है।